नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट पूर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से JPSC, JSSC और झारखंड के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसका तैयारी कर रहे थे। आज विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वह आपका है JTET। तो जो JTET के एग्ज़ाम में बैठेंगे या फिर वैसे कैंडिडेट जो वीडियो को देख रहे हैं, उनका अगर कोई भैया है, दीदी है या कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो JTET के एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो उनके लिए यह वीडियो जो है सो यूजफुल है। तो इस चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, हाँ, एक बार ओवरऑल हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें क्या हम लोग देखेंगे। JTET का आयोजन कब होगा ये देखेंगे, JTET का आयोजन कब होगा। इसके बाद ये देखेंगे क्या एग्ज़ाम होगा या जो पहले JTET किए हुए हैं उसका मेरिट बेस पर मतलब रिजल्ट फिर से दिया जाएगा। इसके बाद 2012 और 2016 में जो JTET क्वालिफाइड है उनका क्या होगा, इस पर भी लोग चर्चा करेंगे। साथ ही जिला पुलिस का जो सेकेंड लिस्ट है उसके बेसिस पर हम लोग JTET का जो फंडामेंटल है उसको समझेंगे। और जो DLED NIOs के तहत किए हैं, जो गवर्नमेंट करवाई है, 12 शिक्षक को करवाई है, चाहे वह कोई प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ा रहा है और BEd या DEd नहीं है तो उनको गवर्नमेंट जो करवाई है NIOs के माध्यम से, क्या वह फॉर्म भर पाएगा JTET का, उसमें भी चर्चा करेंगे। और साथ ही पहले 5 साल इसका वैल्यू था, अब 7 साल हो गया, फिर आजीवन हो गया, तो इसका क्या होगा और अगर जो JTET आयोजन होगा तो उसमें क्या रहेगा, ये रूल रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। 2016 में 53,000 JTET क्वालिफाइड है तो उनका भी लोग चर्चा करेंगे। काफ़ी लंबे समय से मांग हो रहा है मतलब मेरिट का, सेकंड लिस्ट का, लेकिन अभी तक नहीं सुना गया, बहुत प्रकार का हड़ताल भी हुआ, तो इसमें चर्चा करेंगे। और नेगेटिव मार्क्स, जो JTET का आयोजन होगा, आयोजन कब होगा और उसमें जो JTET आयोजन होगा तो क्या उसमें नेगेटिव मार्क्स रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। और जो कैंडिडेट DLED में या BEd में, DEd में या BEd में या फिर JVT में, कहने का मतलब कोर्स का ही अलग अलग नाम है, तो जो कैंडिडेट अपेयरिंग में है, अपेयरिंग में वह क्या फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और जो बिना BEd का है, बिना DEd का है, बिना JVT का है, केवल इंटर किए हैं और केवल BA किए हैं, क्या वो JTET के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी कमेंट आता है, तो इस कमेंट को देखते हुए और JTET के लिए बहुत ही बिग अपडेट है उसको देखते हुए ओवरऑल इनमें लोग चर्चा करेंगे। साथ ही क्या चर्चा करेंगे, सिलेबस का, कि 1 to 5 है उसका क्या सिलेबस होगा, 6 to 8 है उसका क्या सिलेबस होगा, क्योंकि JTET में 1 to 5 का अलग सिलेबस है और 6 to 8 का अलग सिलेबस है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लोग चर्चा करेंगे JTET का आयोजन कब होगा, लेकिन जैसे हम आपको बताएंगे कि JTET का आयोजन कब होगा तो ये सब सवाल आपके मतलब आपके मन में सवाल उठेगा। तो क्या है, हम लोग पहले यही सब चर्चा कर लेते हैं कि JTET जो यहाँ पर लिखे हैं, तो JTET का एग्ज़ाम होने के बाद, JTET का एग्ज़ाम होने के बाद क्या फिर से एग्ज़ाम होगा, या 2015 में जिस प्रकार से मेरिट बेसिस पर ज्वाइनिंग दिया गया उस तरह से रहेगा। तो देखिए, अगर क्या है कि JTET के बाद आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, क्या होगा, एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, तत्पश्चात आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। यहाँ से आप समझे, यहाँ पे हम क्या किए थे, 2012 लिख दिए थे, तो 2012 नहीं होगा, 2013 होगा, 2012 मिस्टेक था, पहला JTET का आयोजन झारखंड में 2013 में हुआ, उसके बाद दोबारा 2016 में हुआ और तीसरी बार JTET का आयोजन होने वाला है, जिस कारण हमको आज वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो दो बार हो चुका है, 13 में और 16 में, तो इनमें से जो पास किए हैं, जैसे कि अगर 2016 का ले लें तो 2016 में 53,000 कैंडिडेट JTET क्वालिफाइड है और इनका लगातार मांग उठ रहा है कि जिस तरह से 2015 में आप मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग दिए उसी आधार पर हम लोगों का ज्वाइनिंग दीजिए। लेकिन आपको बता दें, यह बिल्कुल नहीं होगा, मेरिट के बेसिस पर अब नहीं होगा, आपको एग्ज़ाम में अपेयर होना पड़ेगा। और 2016 में जो JTET क्वालिफाइड है केवल उन्हीं को एग्ज़ाम में नहीं बैठना पड़ेगा, नया TET का आयोजन होगा, नया JTET का आयोजन होगा जो तीसरी बार वो लोग कहेंगे, और आयोजन होने के बाद जो है सो सभी एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो इसी में चर्चा करेंगे कि ये JTET का आयोजन कब होगा। इसलिए याद रखिए, पहले JTET का आयोजन होगा, इसके बाद तीसरी बार पहले JTET का आयोजन होगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम में बैठने को मौका मिलेगा।
अब यहाँ बात करेंगे डीएलएड का, जो एनआईओएस के माध्यम से किया है, जिसको सरकार कह सकते हैं कि एक तरह से फ्री करवाया है, जो पारा शिक्षक थे जिन्होंने डीएलएड नहीं किया था, या फिर बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो प्राइवेट में पढ़ाते थे और उनका उनके पास भी ये प्रशिक्षण नहीं था, तो उन सभी कैंडिडेट को सरकार ने किया करवाया, बिल्कुल मुफ्त में डीएलएड का कोर्स करवाया एनआईओएस के माध्यम से, तो क्या वह फॉर्म डाल पाएगा? तो याद रखिए, आप 100% सुरक्षित हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं, एनआईओएस अप्रूवल है और सरकार के द्वारा कराया गया है, तो जो एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड किए हैं वह भी जेटेड के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। अब बात करते हैं पहले इसका, जेटेड अगर आप एक बार क्वालिफाइड हो गए तो उसका वैल्यू जो रहता था 5 साल तक रहता था, उसके बाद में 7 साल कर दिया गया, बड़ा अजीब है झारखंड का, इसके बाद आजीवन कर दिया गया। देखिए, आप जेटेड जो 13 में किया और 16 में किया, अब 16 के बाद अभी तक टीचर का बहाली 128 में आया नहीं है, और आया नहीं है तो 5 साल तो 21 में हो जा रहा है, तो सरकार ने 2 साल बढ़ाया, अब क्या कर दिया, आजीवन कर दिया है। लेकिन जो 21 में आपका जेटेड का आयोजन होगा वह भी आजीवन ही रहेगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेगेटिव मार्क्स का, और इन सभी में चर्चा करने के बाद जो मेन टॉपिक है सिलेबस का, ये जानना आपका जरूरी है, क्योंकि यह भी अगर आप नहीं लगते हैं तो फिर समझिए अवसर आप, मतलब अवसर क्या है, 2015 में आज तक बहाली नहीं होगा, 5-6 साल हो गया, अगर फिर बहाली होगा तो फिर 5-6 साल चला जाएगा, और 5-6 साल किसी के पास सिचुएशन एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए आपके पास अभी समय है, अभी से आपको लगना होगा, ठीक है। तो नेगेटिव की चर्चा करेंगे, नेगेटिव मार्क्स रहेगा या नहीं रहेगा, तो याद रखिए जेटेट में नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पैडागोगी होता है या फिर जो ईवीएस होता है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो होता है कि मतलब कन्फ्यूजन टाइप्स का होता है, तो काफ़ी अच्छा है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं है, आप अपने आइडिया से उसको सॉल्व कर सकते हैं सारा प्रश्न को। एक सवाल और है, जो डीएलएड कर रहे हैं या जो बीएड कर रहे हैं, जो अपेयरिंग में है, क्या वह जेटेड के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, क्या वह जेटेड का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे? तो वह भी देखिए, ये 2 साल का कोर्स है, डीएलएड हो या बीएड हो, हालांकि पहले डीएलएड 1 साल का होता था, तो ये अब 2 साल का कोर्स है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, डीएलएड का सेकेंड ईयर में अगर आप हैं, तो फॉर्म क्या कर सकते हैं, आप फिलअप कर सकते हैं, कुल मिला के कह सकते हैं कि अपेयरिंग कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जो इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट हैं, लेकिन वह ना तो डीएड किए हुए हैं, ना तो बीएड किए हैं, ना जेबीटी किए हैं, मतलब ये जो शिक्षक प्रशिक्षण का कोर्स है, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, तो अगर आप शिक्षक प्रशिक्षण का एक भी कोर्स नहीं किए हैं और आप केवल इंटरमीडिएट हैं या फिर बीए पास हैं, तो आप जेटेड का एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस का, क्या चर्चा करेंगे सिलेबस का, ये तो ओवरऑल था कि जेटेड का आयोजन क्या होगा, आयोजन कब होगा, इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं सिलेबस का, क्योंकि 1-5 का सिलेबस अलग है और 6-8 का सिलेबस अलग है, और सबसे बड़ी बात, 2020 में जब संशोधन हुआ, जब 2020 में सितंबर में एग्ज़ाम जेटेड का आयोजन होने वाला था बट नहीं हो पाया, लेकिन 21 में 110% होगा, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा लेवल पहले की तुलना में टफ हो गया है। सिलेबस देखिए, 1-5 का आप टीचर बनिएगा, लेकिन सवाल जो वहाँ पूछा जाएगा वो इंटर स्तरीय रहेगा, याद रखिए, इसका मतलब है कि इंटर लेवल का आपका जियोग्राफी, इंटर लेवल का पॉलिटी या फिर हिस्ट्री पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ आपका होना चाहिए, तब जाके आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो 1-5 का जो जेटेड का आयोजन होगा उसमें सवाल कैसा होगा, इंटर स्तरीय होगा, और जो 6-8 में होगा, जो 6-8 का जेटेड होगा उसमें सवाल आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा, लेकिन दोनों का सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, जो 1-5 है, 1-5, इसके अलावा एक बात आपको बता दें कि जेटेड से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका मन में प्रश्न उठ रहा है, इसके अलावे चाहे किसी का कोर्स से संबंधित हो या अन्य किसी भी प्रकार का सवाल, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका जवाब आपको देंगे। तो 1-5 में जो जेटेड का प्रश्न होगा, देखिए टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन जो रहेगा आपका कितना रहेगा, 200 रहेगा, 1-5 के लिए बता रहे, 1-5 में टोटल क्वेश्चन का संख्या 200 है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है सो आपका एक नंबर का होगा,
तो 200 मार्क्स हो जाएगा आपका, ठीक है। और टाइमिंग जो आपको मिलेगा कितना मिलेगा, 2.5 घंटा का मिलेगा। अब ये जो 200 क्वेश्चन है उसको जानना जरूरी है कि 200 क्या क्या पूछेगा। तो 20 प्रश्न आपका रहेगा पेडागोगी से, जो बाल विकास भी कहते हैं, बाल विकास से आपका 20 प्रश्न रहेगा, और हिंदी 20 और अंग्रेजी 20, ठीक है, हिंदी 20 और अंग्रेजी 20 दोनों मिला के आपका 40 प्रश्न रहेगा लैंग्वेज से। लेकिन अगर कोई उर्दू शिक्षक के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं जेटेट में, तो वहाँ पे इंग्लिश उसका 20 रहेगा लेकिन हिंदी की जगह उर्दू हो जाएगा 20, ठीक है। और गणित जो आपका होगा वो आपका कितना प्रश्न का होगा, 60 प्रश्न आपका गणित होगा। और EBS पर्यावरण, EBS जो है आपका 60 प्रश्न होगा EBS से। इसके अलावा आपका क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा चाहे खोरठा है, नागपुरी है, संथाली है, जो भी आपका है, तो क्षेत्रीय भाषा से आपका 20 प्रश्न रहेगा। कुल मिला के 1 to 5 में आपका कितना प्रश्न रहेगा, 200 प्रश्न रहेगा। अब यहाँ देखिए पेडागोगी 20 है, हिंदी इंग्लिश है, गणित है, तो गणित 60 प्रश्न है, मतलब किस प्रकार का गणित होगा आपका। लिख दिया कि इंटर स्तरीय, कहने का मतलब परसेंटेज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, क्षेत्रफल है, या तो फिर अर्थमेटिक है। कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया रहना चाहिए आपका मैथ का, तब जाके समझिए कि आप 1 to 5 में। हालांकि आज इस वीडियो में आपको हम सिलेबस बता रहे हैं, आपको एक स्पेशल वीडियो आएगा कि मैथ का तैयारी कैसे करेंगे, या फिर जो EBS है, जो पर्यावरण है, उसका तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि कम समय में तैयारी करने का बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीका है। तो सोलो चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप देखें कि बाल विकास से 20, हिंदी इंग्लिश से 40, गणित से 60, EBS से आपका 60 प्रश्न, और क्षेत्रीय भाषा से 20 प्रश्न, कुल मिला के 1 to 5 में 200 प्रश्न रहेगा। और अब चर्चा करेंगे 6 to 8, इसमें क्या है आपका कुल मिला के 250 प्रश्न रहेगा, और 250 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 मार्क्स का होगा, तो 250 मार्क्स आपका यहाँ पर रहेगा। लेकिन टाइमिंग यहाँ पे देखिए 1 to 5 में 50 क्वेश्चन कम है, यहाँ 50 क्वेश्चन ज़्यादा है, तो टाइम भी ज़्यादा आपको दिया गया है, 3 घंटा आपके पास टाइम है। अब ये देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन है, एक आपका अनिवार्य रहेगा, जो 250 प्रश्न रहेगा उसमें से कुछ अनिवार्य है और कुछ आपका वैकल्पिक है। अनिवार्य में आपका बाल विकास जो पेडागोगी है, 25 प्रश्न आपका बाल विकास से होगा। इसके बाद हिंदी आपका 25 प्रश्न होगा और अंग्रेजी 25 प्रश्न होगा, लैंग्वेज से आपका 50 प्रश्न हो जाएगा। लेकिन जो उर्दू शिक्षक है, इंग्लिश उसका रहेगा, हिंदी की जगह उसका क्या हो जाएगा, उर्दू जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज से आपका 25 प्रश्न रहेगा, वही खोरठा है, नागपुरी है, या खड़िया है, मुंडारी है, जो भी है, तो क्षेत्रीय भाषा से आपका 25 हो गया। तो ये आपका अनिवार्य है, 100 प्रश्न आपका ये अनिवार्य हो गया, बाल विकास, हिंदी इंग्लिश और क्षेत्रीय। आप यहाँ भी देख सकते हैं बाल विकास, हिंदी इंग्लिश और क्षेत्रीय, तो तीन सब्जेक्ट जो है सो हो बहु आपका मिल रहा है 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी। तो जो 6 to 8 जो दोनों में अपेयर होंगे उनके लिए, 6 to 8 में जो आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट है, वैकल्पिक सब्जेक्ट में 3 में से आप कोई चूज कर सकते हैं। एक आपका लैंग्वेज टीचर होगा, कौन सा टीचर होगा आपका लैंग्वेज टीचर के लिए, हिंदी और इंग्लिश। एक आपका होगा मैथ साइंस के लिए और एक आपका होगा सोशल साइंस के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी, यहाँ से आपका कितना रहेगा, 75 प्रश्न इंग्लिश से रहेगा और 75 प्रश्न आपका कितना रहेगा, हिंदी से रहेगा, 75 इंग्लिश से रहेगा और 75 हिंदी से, 150 प्रश्न यहाँ से और 100 ये अनिवार्य आपका है, तो 250 प्रश्न हो गया जो लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो मैथ साइंस के लिए अप्लाई करेंगे, जिन्होंने BSc किया हुआ है, ठीक है, टीचर प्रशिक्षण के अलावा जो BSc किया हुआ है उनके लिए बता रहे हैं, मैथ से 50 प्रश्न आपका होगा, मैथ से 50 प्रश्न, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन तीनों में से कोई भी आप दो सब्जेक्ट जो है सो पसंद कर सकते हैं, तो वहाँ से आपका 100 प्रश्न और 50 प्रश्न मैथ से, तो 150 यहाँ से हो जाएगा और 100 आपका ये अनिवार्य सब के लिए है। अगर कोई सोशल साइंस के टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो उनमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और सोशोलॉजी मतलब समाजशास्त्र, तो इन 5 सब्जेक्ट में आपको कोई 3 चूज करना है अपने पसंद के अनुसार फॉर्म फिलअप करते समय। तो इन 5 में से
कोई तीन चूज करेंगे तो आपका 150 मार्क्स यहाँ से हो जाएगा और 100 मार्क्स ये जो आपका अनिवार्य है बाल विकास हिंदी और लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज और क्षेत्रीय भाषा से। तो कुल मिला के आप सिलेबस में क्या देखें कि 1-5 में 200 मार्क्स का है और 6-8 में 250 मार्क्स का है। दोनों का सिलेबस देखिए, एक वीडियो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें से बहुत ही बारीकी से आपको बताएंगे कि तैयारी कैसे करना है, क्योंकि अवसर बार बार आएगा नहीं और आएगा भी तो झारखंड में 5 साल 7 साल कभी ऐसा होगा कि 10 साल के बाद भी आएगा। और वीडियो का मुख्य उद्देश्य था JTET का आयोजन कब होगा, तो देखिए आपको बताते हैं ये जो सिलेबस था, सिलेबस का तो नियमावली बिल्कुल बन के तैयार है, लेकिन जो नियोजन नीति है जो हम लोग कहेंगे परीक्षा नियमावली, तो परीक्षा नियमावली बन के तैयार हो चुका है, कैबिनेट का अप्रूवल मिलना है। और जैसे ही कैबिनेट का अप्रूवल मिलेगा आपको बहुत जल्द कह सकते हैं कि नेक्स्ट आने वाले टू मंथ्स में आपको JTET के जो डेट है, आयोजन का जो डेट है वो देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इतना रखिए कि परीक्षा नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी मिल जाए। इसके अलावा JTET फास्ट आयोजन करने के लिए कमेटी भी गठित की जा चुकी है। तो आज की वीडियो का मूल उद्देश्य क्या था, JTET का आयोजन कब होगा ये जानना, इन सभी प्रश्न का उत्तर देना, सिलेबस जानना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि इसका तैयारी कैसे करें और आसानी से आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।